अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यार ये ज़ख़म हो रहे हैं, एलर्जी, स्किन एलर्जी बेसिकली डॉग्स को जब होती है। इसको पहले एक इधर था और एक टेल पे था, वो शायद दिखाया नहीं वीडियो में, वैसे लोग देख सकते हैं उस पर ऐसा हो रहा होता है। तो ये अभी डॉक्टर साहब आए हैं हमारे, तो इनसे पता करते हैं। डॉक्टर साहब, आम तौर पर ये कहते हैं कि आइवरमेक्टिन लगाने से डॉग को, मेल को खसूस, उनकी फर्टेलिटी में इशू आता है ऐसा? इसकी फर्टिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही। ना मेल की, ना फीमेल की, ना हीट पे, ना कोई किसी किस्म का कोई इसका ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ड्यूरिंग हीट भी लगा सकते हैं, सिर्फ प्रेग्नेंट को नहीं लगा सकते। प्रेग्नेंट को ना लगाएं, उसकी वजह ये होती है कि प्रेगनेंसी के दौरान ये हो सकता है कि जो फीटस है, जो बच्चे हैं जी जी, उनमें ट्रांसफ़र हो जाए, और अगर उनमें ट्रांसफ़र हो गई और वो बर्दाश्त ना कर सकें तो फिर उनको प्रॉब्लम हो सकता है। सही। इसलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ना लगाएं, लेकिन अदरवाइज इसकी किसी किस्म का कोई इफेक्ट, और वो बेहतर है इसके, इसमें लगाने से। हाँ, उसमें ये सिर्फ एक ये खतरा होता है कि कुछ जो डॉग्स हैं उनके ब्रेन में वो एंटर हो सकती है। सही। और ब्रेन में एंटर होने के बाद ये हो सकता है कि जिस तरह के वो जो पैरासाइट होते हैं उनके खिलाफ वो एक्शन करती है और डॉग के अपने जो सेल्स हैं उनके खिलाफ नहीं करती। सही। तो कुछ डॉग्स में ये होता है कि उनमें ऐसी एक म्यूटेशन हो जाती है कि वो जैसे पैरासाइट को ट्रीट करती है ना, इस तरह वो अपने जो ब्रेन सेल्स हैं उनको डैमेज कर देती है। सही। तो उसमें खतरा होता है। तो ये कितने परसेंट चांसेस होते हैं? वो हजार में तकरीबन एक दो होता है। सही। लेकिन सही। एक दफा अगर जिस डॉग को लग गई है और डॉग ने बर्दाश्त कर लिया है, फिर वो सेफ है, उस डॉग के लिए कोई खतरा नहीं है। और मेरे ख्याल में सबसे बेहतर यही है, या इसके अलावा भी कोई बेहतर है टिक्स के लिए, इस तरह की एलर्जीज के लिए? लॉन्ग टर्म में। अच्छा। इसका ये फायदा है लॉन्ग टर्म में, और ये मतलब ये है कि जिस वक्त आपको जख्म हो जाता है जी, आप लगाते हैं तो फिर ये है कि मैगट्स जो पड़ेंगे वो खुद बहुत ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है। मैगट्स पड़ेंगे ही नहीं। ठीक है। अगर मैगट पड़े हों तो मैगट निकाल कर आप आयुर्मेक्टिन लगा दें तो फिर दोबारा से मैगट नहीं पड़ेंगे, जख्म हील हो जाएगा। उसका ये फायदा है। बाहर से आप पिंक स्प्रे करते रहें, अंदर से आपने वो लगाई हो, मैगट्स का कोई खतरा नहीं है। सही, सही। और वैसे भी इसमें यह है कि जितने भी पैरासाइट हैं, इसके अलावा कानों में होते हैं जो बाकी जितने भी पैरासाइट हैं, जो कुत्ते की मक्खी है वो भी, उसको भी करीब नहीं आने देगी, वो भी अगर इसको काटेगी तो मर जाएगी। सही। इसका ये फायदा है। लेकिन अपने सेल्स को वो डैमेज नहीं करती, लेकिन बहुत कम होता है कि जिस डॉग में पहले थोड़े से डोज दे के देखें, अगर डॉग को सूट नहीं कर रही, डॉग बीमार हो जाता है, उसके मतलब टेम्परेचर हो जाता है, वॉमिट करता है, कुछ हो रहा है, गिर जाता है, उठ नहीं सकता, तो फिर थोड़ी डोज दे के चेक कर लें। अगर वो हील कुछ नहीं है, सही है, नॉर्मल है, मतलब गोली दें पहले उसको। ठीक है। तो गोली जो है वो बहुत कम डोज में होती है। ठीक है। तो उसके बाद उसको गोली दे के देख लें, आधी गोली पहले देख के देख लें, लेकिन पप्पी को नहीं देनी 3 महीने का जब तक नहीं होता। ठीक है। इसमें ये एहतियात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और बड़े को 1 ml लगा सकते हैं? हाँ, 1 ml तो आप लगा सकते हैं। पहले हाफ ml लगा के चेक कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, पहले गोली दे के चेक कर लें। ठीक है। अगर गोली वो बर्दाश्त कर लेता है तो फिर बेफिक्र होकर आप लगा लें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बंद कर दो। चलो जी, ये मैंने सोचा आज डॉक्टर साहब आए थे और इनसे इस टॉपिक पर बहुत मशवरा भी लिया, तो मैंने कहा आप लोगों को शेयर कर दें। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।